हाँ तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं आज फिर से बीस खेत में आके पहुंच गया हूँ। तो मेरा जो एक इरादा है, आप लोगों को ये खेत का, ये धान खेत का भी जो इसका डेवलपमेंट है उसको दिखाऊं। तो अभी जो है ये मैच्योर होने का भी पूरा तैयारी में है। डर लीजिए, 15 और 20 रोज का दिन या रोज के बाद में ये काटने का जो हार्वेस्टिंग का जो समय वो आ ही जाएगा। कोई कोई लोग जो पहले में ये धान का पौधा लगा दिए थे उन लोगों ने तो काट ही लिया, तो हम लोग थोड़ा पीछे रह गया। इसलिए हम लोग का भी कुछ समय बाकी है ये मैच्योर होने में। अभी देखिए कैमरा के सामने में ये जो धान का जो बीज है ये हवा में लहरा रहा है। अभी आगे में जितना दूर हो सके कैमरे में आप लोग देखिएगा, ये पूरा का पूरा जो खेत है वो सभी पौधों में से बीज निकला हुआ है और 90% या 95% जो है वो चावल बन भी गया। आप कह लीजिए 5-10% अभी बाकी है, क्योंकि ऐसा होता भी है। एक ही जो धान का जो ये एक पौधा जो होते हैं इसमें सिंगल सिंगल ब्रांचेस जो होते हैं उसमें धर लीजिए अगर 10 हुआ 20 हुआ सभी एक साथ में निकल के नहीं आता है। इसीलिए धर लीजिए 5-10% जो है अभी इसका जो चावल है चावल बना नहीं है अभी, लेकिन 15-20 वर्ष के बाद में वो भी मतलब मैच्योर हो जाएगा और पूरा ये जो खेत है वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा। आप लोग देखिएगा आगे में जितना दूर हो सके सभी जो धान का जो पौधा जो है सभी में से ये जो धान का जो बीज है निकला हुआ है। देखिएगा आगे में पूरा का पूरा जो खेत है वो निकला हुआ है। अभी मतलब निकलने के लिए कोई तो अभी बाकी नहीं है, जो निकलना था अभी निकल ही गया। इसका जो है 90-95% जो है वो तो चावल बन ही गया। 5-10% जो है अभी कुछ दिन बाकी है। अभी ऐसा एक कैमरा के सामने में है, अभी अभी वो निकला हुआ है, तो वही 15-20 वर्ष के अंदर में वो भी मतलब मैच्योर हो जाएगा। वो जो हार्वेस्टिंग का जो टाइम है वो हार्वेस्टिंग के लिए मतलब वो तैयार हो जाएगा, मतलब वो मैच्योर हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए मैं आज फिर से 20 खेत में आके पहुंच गया हूँ। आप आगे में देखिए वो धान पक भी गया है, वो आगे का जो खेत है वो धान पक भी गया है, लेकिन ये जो सामने में हम लोग का जो है अभी मतलब कुछ परसेंटेज पकने के लिए अभी बाकी है, लेकिन मैच्योर तो हाँ मैच्योर तो हो ही गया। अब देखिए कैमरे में और आगे में आप लोगों को मैं और एक चीज़ को दिखाता हूँ। ये जो हम लोगों ने नया एक ब्रीड को सुना था वो बीज मतलब ये जो ड्वार्फ जो कहते हैं ना इंग्लिश में, वो ड्वार्फ जो प्रजाति है ये ज़्यादा ऊँचा नहीं होता है। अभी देखिए इसमें से भी वो निकल गया, लेकिन इसका जो निकलने का जो यह परसेंटेज जो है इसमें अच्छा है। नया एक प्रजाति निकला हुआ है तो हम लोग ने एक परीक्षा के तौर पर कुछ लगा दिए थे हम लोग ने। अभी वो भी मतलब पूरा का पूरा जो धान का जो बीज है वो निकल गया। आगे में आप लोग देखिए एक कंपेयर कीजिए, ये थोड़ा कट के मामले में ये थोड़ा सोता है,
आप देखिए कंपेयर कर सकते हैं आप, बगल में है वो उषा जो लंबे कद का जो लंबे कद का जो प्रजाति है, और बगल में वही सोते कद का कद के जो प्रजाति, ये जो इंग्लिश में ड्वार्फ कहते हैं, तो ये कैमरा के सामने में ये जो ड्वार्फ प्रजाति है वही है। आप लोग देखिएगा ये भी पूरा का पूरा जो है निकल गया, लेकिन इसमें ये प्रजाति का एक खूबी जिसने हम लोग को ये ब्रीड दिए थे उन लोगों ने बताया था कि ये जो प्रजाति है इसमें इसका जो पैदावार जो है इसमें ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हम लोग एक परीक्षा के तौर पर ये लगा दिए थे। अभी हम लोगों ने देखा है, हाँ इसका जो प्रोडक्शन जो है भले ही ये सोते कद का हो, लेकिन इसका प्रोडक्शन जो है थोड़ा अच्छा है। यहाँ में भी आप कंपेयर करके देखिएगा, ये बगल में एक लंबे कद का प्रजाति है, और साथ ही ये जो ड्वार्फ प्रजाति का ये जो धान का जो ये पौधा जो है, ये जो ब्रीड है ये भी है। आप लोग कंपेयर करके देखिएगा कैमरे में, आप ये कंपेयर कर सकेंगे ज़रूर। ये भले ही ये सोते कद का हो, लेकिन इसका जो निकलने का जो परसेंटेज है इसका ज़्यादा है, तो पैदावार मतलब ये ज़्यादा होते हैं, ये प्रोडक्शन जो है इसका प्रोडक्शन जो है बाकी धानों के मुकाबले ज़्यादा है। लेकिन इसमें वो जो मैन्योर हुआ, वो आर्टिफिशियल जो फर्टिलाइज़र हुआ वो मतलब सही है, तभी इसमें से और ज़्यादा प्रोडक्शन आएगा। तो ये जो खेत है ये लंबे कद का ये प्रजाति है, इसमें भी देखिए पूरा का पूरा जो है निकला हुआ है। अभी चावल बन ही गया, कुछ दिन का बाद में ये भी पक जाएगा और हार्वेस्टिंग के लिए ये तैयार हो जाएगा। आप देखिए सामने में पूरा का पूरा जो ये खेत जो है, ये धान निकला हुआ है, चावल बन गया, अभी हवा में देखिए अब लहरा रहा है, और कुछ दिन का बाद में 15-20 रोज का बाद में इसका जो हार्वेस्टिंग का टाइम आ जाएगा, मतलब पूरा मैच्योर हो जाएगा, पक जाएगा। तो यही कह के आज का वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ।